क्लास आज हम चैप्टर सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एम सी क्यूज सॉल्व करेंगे फर्स्ट एम सी क्यूज है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दालिक्यूल डू नॉट लीव देयर पोजिशन के इनमें से कौन सी स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी पोजिशन लीव नहीं करते पोजिशन नहीं छोड़ते सॉलिड लिक्विड गैस या प्लाज्मा अगर हम इन चारों स्टेट्स को देखें तो जो सॉलिड है सॉलिड में हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं तो इस वजह से इसमें वो अपनी पोजीशन लीव नहीं करेंगे हम ये देख सकते हैं कि सॉलिड्स होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पे ही टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं यानी कि वाइब्रेट करते रहते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा टाइटली प्रैक्ट होते हैं कि अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर सकते इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा सॉलिड नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर टू Which of the is the highest, one? In में से कौन सा सबसे light है, सबसे है तो येमीटर है, है? है, है बाकियों की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है तो इस वजह से लाइटेस्ट कौन सा होगा एल्यूमिनियम होगा नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है एमसीिक्यूज नंबर थ्री एस प्रेशर इज पास विच इज इक्वल टू प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल है और वो किसके इक्वल होता है वो वन न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है यानी कि पास्कल का यूनिट प्रेशर का यूनिट पास्कल भी है और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी है वो जो वन, पास्कल है, वन न्यूटन मीटर वन न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट हम सी नंबर फोर है शुड बी लेंथ ऑफ ए गिलास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या होनी चाहिए गिलास ट्यूब की तो मर्करी बारोमीटर के लिए जो, थी वो हमारे पास मीटर थी और जो वाटर है वो हमारे पास मरकरी से डेंसर होता है तो मल्टीप्लाई किया थर्टीन पॉइंट सिक्स को तो ये हमारे पास टेन पॉइंट थ्री फोर मीटर आता है यानी कि मोर देन टेन मीटर हमारे पास ट्यूब होनी चाहिए लॉन्ग ट्यूब होनी चाहिए ताकि तब हम उस बैरोमीटर में वाटर यूज कर सकते हैं तो मोर देन 10 से मुराद ये है कि यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा इलेवन मीटर नेक्स्ट एम है एम सी क्यूज नंबर फाइव अकॉर्डिंग टू अकमीडियस प्रिंसिपल अप थ्रस्ट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जो अप थ्रस्ट होता है अर्कमीडियस के प्रिंसिपल अर्कमीडियस प्रिंसिपल की डेफिनेशन में ये है कि अप थ्रस्ट जो है वो उस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें पार्शली जाओ फुली इमर्स करने के बाद वहां से हटता है तो इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड नेक्स्ट नंबर है द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद हेल्प ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वैसे तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूनिट वॉल्यूम है लेकिन इन चारों में से एक प्रिंसिपल ऐसा है जिसकी बेस पे हम डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं तो वो हमारे पास आर्काम प्रिंसिपल है

मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल आता है कांस्टेंट के तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर एट है द फॉलोइंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ्स ऑफ ए स्प्रिंग गार्ड डाउन ड्रॉन ऑन द सेम स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबेज हुक्स लॉ कैन में से कौन सा जो है वो हुक्स को उबे नहीं करता ये आपके पास चार ग्राफ्स हैं इन ग्राफ्स में अगर आप गौर से देखें तो हुक्स ला की स्टेटमेंट क्या थी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि जितनी फोर्स चेंज हो रही है उतनी ही उसमें क्या होनी चाहिए स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होनी चाहिए तो जिसमें भी स्ट्रेट लाइन हमारे पास लाइन ओरिजन से शो हो रही है और स्ट्रेट लाइन जा रही है वो हमारे पास हुक्स ला के ग्राफ होंगे और जो ऐसा नहीं है अब इस पर फोर्स अप्लाई करने से जो एक्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही वो कॉन्स्टेंट है तो इस वजह से ये हुक्स ला नहीं होगा यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट है तो ये इसका एफ ऑप्शन जो ये सी ऑप्शन है ये करेक्ट है नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी देता है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास अगर हम फाइंड करना चाहें के की स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला हमारे पास एफ इक्वल टू के एक्स होता है यहाँ से के इक्वल टू एफ ओवर एक्स है

ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ सप्रिंग इसके बाद जो लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का उसमें लार्ज वैल्यू uh, पूछी गई है तो लार्ज वैल्यू के लिए अगर हम देखें इन चारों ग्राफ्स में तो लार्ज वैल्यू से मुराद ये है कि फोर्स मैक्सिमम हो और एक्स कम से कम हो तो तब हमारे पास के की वैल्यू ज्यादा आएगी तो एक्स मिनिमम जो है या फोर्स जहां पे ग्रेटर हो वो इस केस में है फोर्स ज्यादा है और एक्स की वैल्यू कम है तो ये हमारे पास इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यू से मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्यूशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू